बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एक्सरसाइज मोस्ट लाइकली ग्रामर आइटम्स समझने की कोशिश करेंगे। लिसन विथ कंसेंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, न्यू जेनरेशन लर्न डैश एल्डर्स फ्रॉम, डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम एन से बाय एन ए जरिए। तो यहां पर देखिए, न्यू जेनरेशन नस्लेनों, नई नस्ल, नई पीढ़ी, लर्न सीखती है, नई नस्ल नई पीढ़ी सीखती है, डैश एल्डर्स। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रॉम एल्डर्स यहां पर आएगा, फ्रॉम विल बी द करेक्ट आंसर। न्यू जेनरेशन लर्न फ्रॉम एल्डर्स। नेक्स्ट, व्हाट डू वी राइट बाय यहां पर विल नॉट बी अ सुटेबल आंसर। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम ऑल्सो विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर। थर्ड, विद यानी से व्हाट डू वी राइट विद। With will be the correct answer here. With any say, what do we write with? हम किस चीज से लिखते हैं, हम काय से लिखते हैं। What do we write with? यहां पर जो है तो with will be the correct answer। जैसा कि हम बहुत सारे sentences बोलते हैं, What do we see with? What do we eat with? What do we speak with? What do we smell with? इस तरीके से यहां पर जो है तो what do we write with? With will be the correct answer. Next, dash, you any mobile in your pocket? Has will not be the correct answer. Do also will not be the correct answer. Does also is not a suitable answer. Here, have you any mobile in your pocket? Have will be the correct answer here. Have you any mobile in your pocket? क्या आपके पॉकेट में कोई मोबाइल है? नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक, यू हैव सम मनी। डज विल नॉट बी हेयर करेक्ट आंसर। डू विल बी द करेक्ट आंसर। डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? डू विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। Have will not be the correct answer. Has also will not be the correct answer. Next देखिए, next, Seema prefers tea dash coffee to, Seema prefers tea to coffee. यहां पर जो है तो डियर स्टूडेंट, टू विल बी द करेक्ट आंसर। देन
then will not be the correct answer. More also will not be, most also will not be the correct answer. Seema prefers tea. Dear students, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये comparative degree का sentence है, लेकिन ये comparative degree का sentence नहीं है, इसलिए then इस्तेमाल नहीं होगा, more और most कोई भी नहीं, to इस्तेमाल होगा. Seema prefers tea to coffee. Seema tea को coffee से तरजीह देती है. Seema prefers tea to coffee. सीमा चाय से कॉफी को तरजीह देती है, यानी सीमा चाय को कॉफी से ज्यादा पसंद करती है. नेक्स्ट देखिए, हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू फिनिश द टेस्ट. हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू फिनिश द टेस्ट. हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू फिनिश द टेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाउ टाइम डू वी हैव, हमारे पास है टू फिनिश द टेस्ट, हमारे पास. हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू फिनिश द टेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, हाउ ये टाइम है, ये अनकाउंटेबल नाउन है टाइम, इसलिए यहाँ पर मेनी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि मच का इस्तेमाल किया जाएगा. मच विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. टाइम की वजह से मच का इस्तेमाल किया जाएगा, मोर का भी नहीं और मोस्ट का भी नहीं, मच का इस्तेमाल. हाउ मच टाइम डू वी हैव, हमारे पास कितना वक्त है टू फिनिश द टेस्ट, टेस्ट कंप्लीट करने, टेस्ट फिनिश करने. मच विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर डैश इंडिया. ऑन विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. ऑन एने पर नियर एन नजदीक, इट विल ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर. इन विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. इन द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. नेक्स्ट देखिए, सोनू एंड मोनू डाइड डैश ऑन विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. ऑफ ऑल्सो ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर. डाई ऑफ इज अ फ्रेज. डाई ऑफ इज अ फ्रेज, किसी चीज से मर जाना. डाई ऑफ, तो यहां पर ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर विल बी ऑफ. सोनू एंड मोनू डाइड ऑफ टीबी. टीबी से वो मर गए हैं. टीबी, सोनू एंड मोनू डाइड ऑफ टीबी. सोनू और मोनू टीबी से मर गए, टीबी की वजह से टीबी से मर गए. हेमा वाज सिटिंग डैश द गर्ल्स इन द गार्डन बिटवीन अमंग. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इसको समझ चुके हैं. बिटवीन जो है, तो जब कोई चीज दो चीजों के दरमियान अगर है तो बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता. डियर स्टूडेंट्स, और अगर कोई चीज दो चीजों के दरमियान, या दो कोई शख्स दो लोगों के दरमियान, कोई जगह दो जगहों के दरमियान है तो बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है. अब यहाँ पर दो का जिक्र नहीं किया गया, गर्ल्स कहा गया, तो अमंग विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. क्योंकि अमंग यानी अगर कोई चीज दो बहुत सारी चीजों के दरमियान में है, या अगर कोई शख्स बहुत सारे लोगों के दरमियान में है, या कोई जगह बहुत सी जगहों के दरमियान में, तो इट अमंग विल बी यूज्ड. सो हेयर
among will be the correct answer. Hema was sitting among the girls in the garden. Hema garden में लड़कियों के दरमियान में लड़कियों के बीच में बैठी थी. Next देखिए, tenth. Never laugh dash the other people. In will not be the correct answer. On any per. At will be the correct answer. क्योंकि laugh at phrase है, यानी दूसरों पर हंसना, laugh at. तो never laugh at the other people. At will be the correct answer. दूसरे लोगों पर कभी भी मत हंसिए. Dear students, next 11 देखिए. We see हम देखते हैं. We see हम देखते हैं dash with means say with in. With will be the correct answer. We see हम देखते हैं with our eyes हमारी आँखों से. With will be the correct answer here. Next, it is made ये बना हुआ है. It is made ये बना हुआ है dash brass of on in into. Dear students, यहाँ पर made of यानी का बना हुआ. It is made of brass. यहाँ पर dear students of will be the correct answer. Made of का बना हुआ, ये पीतल का बना हुआ है. It is made of brass. ये brass का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है. The roof is dash our heads. The roof is dash our heads. On याने ऊपर, in याने अंदर, into याने अंदर और over. जब कोई चीज डियर स्टूडेंट्स हमारे सर के ऊपर होती है और सर के ऊपर जो टच नहीं होती लेकिन सर के ऊपर होती है तो ओवर का इस्तेमाल करते हैं. द रूफ इज ओवर आवर हेड्स. ओवर विल बी हेयर द करेक्ट आंसर. ओवर विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. लास्ट देखिए, राज एंड ताज लिव राज और ताज रहते हैं. ओवर अबाउ ऑन एट. डियर स्टूडेंट्स ओवर नहीं आएगा क्योंकि ओवर जेहेतु यहाँ पर जेहेतु ओवर विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. अबाउ जब हमें ये बोलना होता है कि हमारे ऊपर यानी हमसे ऊपर की मंजिल पर कोई रहता है तो अबाउ का इस्तेमाल करते हैं. ऑन कभी नहीं, एट कभी नहीं. राज एंड ताज लिव अबाउ अस हमारे ऊपर यानी हमारी मंजिल, हमारे ऊपर की मंजिल पर, हमारे ऊपर के ताल पर राज और ताज रहते हैं. डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमने ये इम्कानी ग्रामर आइटम समझने की कोशिश किए हैं. ये बहुत से इम्तिहानात में, चाहे वो 8, 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हो, बहुत से एग्जामिनेशंस में ये सवालात आते ही रहते हैं. इनके अच्छी प्रैक्टिस कीजिए. आपको उस वक्त बेइंतहा खुशी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इम्तिहान में आपको ये जवाबात आप लिखने के सही जवाबात लिखने की आप काबिल रहेंगे तो आपको बेइंतहा खुशी होगी. और नकल की बिल्कुल भी नीयत मत रखिए. आपकी नीयत पर मुनहसिर होता है. आप जैसी नीयत रखेंगे तो आपको उसका फल वैसा ही मिलेगा. अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. तो अच्छी नीयत रखिए, खुलूस नीयत के साथ पढ़िए. और जब भी आप पढ़ते हैं अल्लाह ताला के नाम से, यानी बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए. ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का नाम लिए बगैर कोई भी काम शुरू मत कीजिए.
आप कोई भी काम अल्लाह ताला के नाम से यानी बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए और देखिए फिर आपका आपका कैसा मन, आपका कैसा दिल उसमें लगता है। दिल लगाने का भी ये बेहतरीन जरिया, अगर आपका काम में दिल नहीं लगता तो आप खुलूस नियत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़िए सिर्फ। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।